बाकी आपके साथियों को बिल्कुल नहीं होगा, क्लियर है। बाकी हमारे यहाँ से बात कर लेना, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि हमने अपनी अगर लॉबी हमारी बनती है बहुत अच्छा है, और हमारी लॉबी नहीं बनती है तो नॉन ब्राह्मण को देना, ब्राह्मण को बिल्कुल नहीं देना। तो हमें अपना अगर हम संगठन बनाने को तो हमारे कई मेम्बर निकल के जा सकते हैं, हमारे लोगों की कमी नहीं होती। जहाँ भी जाते हैं, आए मुझे तो 2 साल हुए, उससे पहले भी मैं बहुत सोशल उसमें काम करता रहा हूँ, बाहर से अपने भी काम किया है, BS में भी काम किया है, दिल्ली से बाहर में तो ऑल इंडिया सर्विस में था, तो बाहर से लखनऊ से चंडीगढ़ था, जहाँ भी रहोगे हमेशा समाज के साथ जुड़ते रहा, समाज में काम करता रहा। कम लोगों के आने की बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं आती, जिसको समाज का दर्द होता है उसको पता लगने नहीं आ जाता है। एक व्हाट्सएप के ऊपर जब चंद्रशेखर के साथ जो कुछ हुआ था, एक व्हाट्सएप के ऊपर कितने लोग इकट्ठे हो गए थे और पैसा भी खूब आया, लोगों ने पैसा भी दिया। तो ऐसा नहीं जिसको समाज का दर्द है, जहाँ भी बुलाएंगे वहाँ पर वो जाएगा, और जिसको समाज का दर्द नहीं, जिसने बाबा साहब को नहीं मिला, जो बाबा साहब को नहीं जानता कि बाबा साहब ने 3 बेटे और 1 बेटी और अपनी पत्नी को गंवा दिया समाज की खातिर, जिसने बाबा साहब को नहीं पढ़ाया तो उसको दर्द नहीं होगा। अगर बाबा साहब को जिसने पढ़ाया कि अगर ये जैसे बताया कि काला कोट बाबा साहब की वजह से है, मैं तो कहता हूँ हम ही बाबा साहब की वजह से। अगर बाबा साहब ने इतना संघर्ष नहीं किया होता तो कहाँ हम लोग ये पढ़ लिख के आते। मैंने अभी करीब 37 साल इंजीनियरिंग की सर्विस की, उसके बाद लॉ कर रखी थी, तो फिर रिटायरमेंट के बाद ये स्कूल को दिया, कौन स्कूल में घुसने देता, कौन इसको पढ़ाई करने देता। तो बाबा साहब का संघर्ष है तो उसको मैं नहीं भूलना चाहिए, और उनका कर्ज तो हम कभी उतार नहीं सकते, तो जितना कर्ज है अगर उसका ब्याज भी दे दें तो भी समाज का बहुत कुछ भला हो जाएगा। तो मैं भी यही चाहूँगा कि सभी लोग संगठित होना बहुत ज़रूरी है, और संगठित होने के बाद जो भी हमारे लोग खड़े हुए मेम्बर हैं, जहाँ जहाँ जिसकी जान बचाना हो, जहाँ जहाँ वो यूज करना चाहते हैं, अपना पूरा टाइम लगाए और उनको वहाँ पर भेजें। मेरा सभी से ये अपील है, चाहिए चीज़, और मैं कहना चाहूँगा मेरे व्हाट्सएप पर किसी ने आयुष सिंह से कर बाबा साहब के फोटो के ऊपर एक जूता छाप के व्हाट्सएप एडवोकेट वाले किसी ने ऑर्गेनाइजेशन वाले व्हाट्सएप पर बाबा साहब का फोटो डाला हुआ है, और उसमें नीचे आने लिखा हुआ है कि इसी शोर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तीन चार लाइन से आ चुकी है। मैंने उसको उसी के नंबर पर मैंने उसको मैसेज कर दिया कि भाई आयुष शेखर जी, आपने अपना फोटो बाबा साहब के फेस पर क्यों लगा दिया। फोटो तो छपा था ना, मैंने उस पर डाल दिया कि आपने अपना फोटो बाबा साहब के फेस पर क्यों लगा दिया। फिर अब उसको मैसेज गया होगा, उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसने रिवर्स फोन किया। मैं क्या हाईकोर्ट में था, फोन मैंने नहीं उठाया, उसको बड़ी तकलीफ हुई होगी, जो उसने चीज़ छापी थी उसको मैंने कुछ नहीं बोला कि आपने अपना फोटो बाबा साहब के फेस पर लगा दिया और बड़ा सा जूता लगा के बाबा साहब हमारे ऑर्डर हमारे उस पर कैसे आ गया। जो ग्रुप है उसमें ऐसा आया कि जो बाबा साहब के फोटो के ऊपर इसमें लगा रहा है, और किसी ने अभी तक उस पर कोई अपना रिएक्शन नहीं दिया। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई इस तरह का प्रतिबीज आदमी है उसको जो भी हमारे गवर्नमेंट उसके वो है उसको डिलीट कर दे। सभी साथियों को जय हिंद।